2 दिसंबर की जन समर्थन महारैली में उमड़ा ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। कुलदीप बिश्नोई बनेंगे हरियाणा के नए कप्तान, महारैली में महाऐलान। कुलदीप बिश्नोई की एक आवाज पर लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने पहुंचा जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि आज जनता हुड्डा एवं चौटाला जैसे भ्रष्ट एवं गुंडा नेताओं को सत्ता में नहीं देखना चाहती, बल्कि वे कुलदीप जैसे बेदाग छवि के ईमानदार, संघर्षशील एवं जनहित की राजनीति करने वाले नेता को हरियाणा प्रदेश की कमान देना चाहते हैं। चौटाला साहब, बेहतर होगा कि आप उन सीबीआई के मुकदमों पर ध्यान दें जिन मुकदमों के तहत आने वाले भविष्य में ना जाने क्या क्या होने वाला है। राज्य में कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बिश्नोई ने अपने तीखे तेवरों से जता दिया है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी, और बीजेपी ने इस मंच से ही कुलदीप बिश्नोई को आशीर्वाद देते हुए सब अफवाहों को पूर्ण विराम लगाते हुए प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव की कमान उनके हाथों में सौंप दी है। इस गठबंधन पर सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी के दस्तखत हुए हैं, यह चट्टान की तरह मजबूत रहेगा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। सीटें किसी की कितनी भी आए, हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको बता रहा हूं कि विधानसभा का चुनाव कुलदीप जी को साथ लेकर उनके नेतृत्व में दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेगी। ये समर्थन महज एक आगाज भर है जिसका अंजाम अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नजर आएगा, और कुलदीप बिश्नोई का दीप प्रदेश की जनता एवं भाजपा के आशीर्वाद से सारे हरियाणा में जगमगाएगा, और एक बार फिर से हरियाणा उन्नति के पथ पर होगा। दुनिया जानती है इस बात को कि ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलकर राजनीति करते हैं। शरीर हुड्डा का है पर चश्मा ओम प्रकाश चौटाला का पहन के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखता है, आप जानते हैं। साथियों, जिस प्रकार का आशीर्वाद और प्यार और स्नेह जो आज आप हमें दे रहे हैं, मैं उम्मीद और अपेक्षा करूंगा कि यही प्यार और यही आशीर्वाद आगे भी आप मुझे देते रहेंगे, और ये मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि आपके विश्वास और आपकी अपेक्षाओं पे, आपकी आशाओं पे कुलदीप बिश्नोई खरा उतरेगा